पर्यटन नगरी के ओल्ड मनाली गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया और स्वयं भी आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीण ताराचंद के 3 मंजिला मकान में 3 ही कमरे थे। ताराचंद परिवार संग इसी मकान में रहते थे। उन्होंने जैसे तैसे स्वयं व परिवार को भी बचा लिया, लेकिन घर में रखे सामान व आभूषण को नहीं बचा सके। घर के नीचे सूखा घास रखा था, जिसने आग में घी ढालने का काम किया। घर में रखे सिलेंडर ने भी आग भड़काने का काम किया। रात 12 बजे के करीब लगी आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान साथ लगते घरों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। आग के कारण परिवार को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये पिछले कल रात 27 तारीख की बात है। रात को लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर घटना घटी, जिसमें यहाँ पर ताराचंद सनोपश्री सोबूराम इनका मकान था। यानी कि इसमें पूरा मकान, यानी कि एक भी चीज़ या घर के बाहर कोई भी चीज़ यहाँ पर निकाल नहीं पाए। और मैंने यहाँ पर लोगों से सुना है कि ये लोग भी सोए हुए थे, बल्कि अपनी जान भी यहाँ पर इन्होंने खिड़की तोड़ करके जो है बाहर निकले। और गांव के लोग आ गए, गांव के लोगों ने आकर के फिर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर पूर्ण पानी पुनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो यहाँ पर कुछ भी सामान नहीं बचा, पूरा टोटल नुकसान हुआ। ये रात लगभग 12 बजे के करीबन की घटना है। रात को 12:02 पर हमने देखा कि आग जली, और हमने जैसे ही आग का पता लगा हमने गांव में सीटें भी बजाई और फायर ब्रिगेड को बुलाया। ये ताराचंद जी के घर में लगी है, जो कि गरीब परिवार से है, बीपीएल से भी संबंधित है। और इसमें जो बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, इसी के कारण इस दुर्घटना का मेन कारण यही रहा कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ। फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे, पर उतने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की। मनाली तहसीलदार हरी शर्मा ने बताया कि आग से प्रभावित परिवार को फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। डीएसपी पुनीत रघु ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।